अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको बता रही हूँ इफ्तारी के लिए काला चना चाट। उसके लिए मैं ली हूँ एक चाय का चमचा रेड मिर्ची पाउडर, एक चाय का चमचा नमक, आधा चमचा अदरक लहसुन, एक नींबू, दो हरी मिर्ची, कोथमीर, थोड़ा सा प्याज, बड़ी प्याज एक डल्ली, छोटी ऑमलेट के टाइप काट लेना है। और ये चना रात में भिगा ली थी मैं, और अब उसको मैं सुबह में अब इसको गला ले रही हूँ। चने गला ली, देखिए मैं रख ली थी, छन्नी में डाल ली। थोड़ा सा तेल डालूंगी मैं, बस इतना ही, एक चाय का चमचा समझिए आप। जो अदरक लहसुन थोड़ा बताई थी ना मैं आपको, और रात में भिगा के रखिए, मैं तो नहीं गलेंगे चने। अभी अदरक लहसुन थोड़ा सा हो गया ना, मैं डाल दूंगी इसके अंदर चने। थोड़ा सा नमक डालूंगी मैं, एक चाय का चम्मच बताई थी आप लोगों को मैं, अब इसमें मैं खाली आधा चम्मच ही डालूंगी, क्योंकि मेरे ख्याल में थोड़े है चने नहीं लगे। और ये देखिए चाय की कप आती ना, छोटी वाली कप से दो कप चने हैं, ये सिर्फ दो आदमी के है, ये हमारी बच्ची को बहुत पसंद है, ये अक्सर यूपी साइड में बनाते, ये तो उनके फ्रेंड्स है और पाकिस्तानी लोग बहुत बनाते, तो हम लोगों का ने भी आदत हो गई है बनने की। थोड़ी सी मिर्ची, आप लोग जितना भी तेज खाना चाहे उतना, थोड़ा सा कोथमीर, इसके अंदर नींबू नहीं डालना है, ऊपर से आप लोग चने पे नींबू साथ रख लेना, प्याज ऊपर से डाल लेना। अगर आप टमाटर खाना चाह रहे हैं तो टमाटर छोटे छोटे पीसेस करके भी डाल सकते हैं, मैं तो नहीं डालती टमाटर, मर्जी है अपनी। देखिए डिस्प्ले कर दी मैं, थोड़ी सी प्याज डाली मैं, थोड़ा हरी मिर्ची कट करके, नींबू डाली, थोड़ा सा हरा धनिया। नींबू ऊपर से डाल के खाइए, अंदर से मत ऐसा मतलब मिक्स मत करिए। और कैसी दिखी आप लोगों को ये रेसिपी, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।